अभी भगवान का आशय क्या है? क्या ये चाहते हैं कि हम अपने काम धंधा नौकरी स्कूल कॉलेज सब छोड़ छाड़ के मंदिर में बैठ जाएं, भजन कीर्तन करें, कर्मकांड करें? बिल्कुल नहीं। भगवान ने बोला भाव जो है अभी संसार के प्रति, वो भाव मेरे प्रति कर दो। तो आप बोलोगे कि भाव में इतना क्या दम है, तो पहली बात तो भाव की कोई सीमा ही नहीं होती। और भाव कितना पावरफुल है, इसे एक उदाहरण देके मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक किसान के 3 बेटे थे, एक शहर आ गया और व्यापार करके उसने बहुत धन कमाया, दूसरा भी छोटे शहर में आ गया नौकरी करके कुछ धन कमा रहा था, और तीसरा जो था गांव में ही रह गया किसान और सबसे गरीब था। अब जो शहर आ गया था उसने जब अपार धन कमा लिया तो वो हेलीकॉप्टर लेके गांव आया और माँ बाप को बोला चलो मेरे साथ, मैं आपको अब सुख देना चाहता हूँ और आपके कर्ज को फेरना चाहता हूँ। तो माँ बाप के पास चारा नहीं, बड़ा बेटा बोल रहा है, चुपचाप चले गए। चले जाने के बाद माँ बाप ने ये देखा कि ये लड़का तो इसके पास तो 1 मिनट टाइम नहीं माँ बाप से बात करने का, ये तो अपने बिजनेस व्यापार नौकर जाकर में बिजी है। इंस्ट्रक्शन देता है, देखो मेरे माँ बाप आए हैं, 56 भोग बना के रखना। उसके बाद इंस्ट्रक्शन दे के चला गया, भाई कोई भी आपको तो तकलीफ हो, माँ बाप को बोला तो ये ड्राइवर गाड़ी है इनके, इनको बोल देना सब आपको चीज़ें मिल जाएगी, और बाय करके निकल गया। माँ बाप को थोड़ा ख़राब लगा। दोपहर को आया लंच के समय और माँ बाप को बोला आइए अपन खाना खाते हैं। उसने 56 भोग लगाए, माँ बाप को सामने लिखा, बोला माँ खाओ। लेकिन उस लड़के के मन में ये भाव थे, अरे खा लो, तुम तो फटीचर थे, तुमने तो हमको ज़िंदगी में इतना ऐसा भोजन खिलाया नहीं, मैं दे रहा हूँ खा लो, मेरे दूसरे भाइयों की तो औकात ही क्या है कि वो आपको इतना अच्छा भोजन दे दें। माँ तो माँ, देखिए आप रोएंगी तो हम भी रोएंगे, इसलिए आपसे प्रार्थना है, इसे पहले सुनिए, मैं माँ का हृदय पहचानता हूँ। उस माँ ने ताड़ लिया कि बेटे के मन में इतना अहंकार है, इस अहंकार के चलते माँ का दिल भी आहत हो गया। माँ ने बोल दिया देख बेटा, मेरा आज उपवास है और मैं उपवास के दिन कुछ भी नहीं खाती हूँ। ये बोल के माँ ने वो बात टाल दी। हस्बैंड, लड़के का बाप, हस्बैंड ने सोचा ये तो कभी झूठ नहीं बोलती, आज क्या कारण है कि झूठ बोल रही कि उपवास है, और मुझे मालूम है इसका आज तो उपवास है ही नहीं, तो ज़रूर कोई बात होगी। इसलिए बाप को पूछा कि आप खा लो, तो बाप ने बोला मुझे तो सवेरे से 3 बार लेटरिन हुई है, मैं भी नहीं छू सकता हूँ, तो ऐसा करते हम शाम को सब मिल के खाएंगे। ये बोल के उन्होंने वक्त टाला, लड़का तो बिजी था, तुरंत व्यापार के लिए निकल गया। माँ बाप ने वो ड्राइवर गाड़ी पकड़ी और जाके सबसे गरीब बेटे के घर। सबसे गरीब बेटे के घर चले गए। सबसे गरीब बेटे के घर गए तो उसने पहला प्रश्न पूछा, अम्मा बाबूजी खाना खाया? तो बोले नहीं, बैठो। उसके पास सिर्फ थोड़े से आलू और थोड़ा आटा पड़ा था, उसने प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक वो भोजन बनाया। देखिए बहन जी, आपको देखकर मैं भी प्रभावित हो रहा हूँ, तो अब मुझे किसी और जगह देखना होगा। उसने श्रद्धा भाव पूर्वक भोजन बनाया और माँ बाप को दिया। माँ बाप ने केवल भाव देखा, क्रिया नहीं देखी, पदार्थ नहीं देखे, वस्तु नहीं देखी, और वो भोजन ग्रहण किया। जो संसारिक माँ बाप बेटे के भाव, अंतर्मन के भाव को इतना पढ़ सकते, इतना समझ सकते, तो क्या वो भगवान नहीं समझेगा हमारे भाव को? तो भगवान ने यहाँ यही मैसेज दिया था कि भाई तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसे करते रहो, उसमें कोई बदल नहीं। व्यापारी व्यापार करे, नौकरी वाला नौकरी करे, स्कूल कॉलेज वाले स्कूल कॉलेज करे, लेकिन जो भाव है वो मेरे प्रति हो। जब तुम्हारा भाव मेरे प्रति हो जाएगा तो तुम्हारे योग क्षेम का वहन मैं करूँगा, और यही बेस बनता है हमको अहंकार मिटाने का। दूसरा एक उदाहरण है, वो भी काफ़ी प्रभावकारी है।